नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल वैष्णव, आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट चुनाव में एक पेंच है। अब वो क्या पेंच है, आइए समझते हैं। एक नियम चलता है अमेरिका में, उस नियम को बोलते हैं विनर टेक ऑल। ये एक अजीब सा नियम है, यह एक परंपरा है जिसमें अमेरिका के 48 राज्यों ने यह परंपरा स्वीकार किया हुआ है। केवल 2 राज्यों ने यह परंपरा स्वीकार नहीं किया है, वो 2 राज्य हैं नेब्रास्का और माइने। अब आइए समझते हैं विनर टेक ऑल क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं टेक्सास राज्य का, जिनमें इलेक्टोरल मेंबर्स की संख्या है 38। एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति पद के लिए 5 उम्मीदवार मान लेते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, ABC। ये 5 ऐसे उम्मीदवार मान लेते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। अब जनता जाएगी वोट देने और इन 5 लोगों का नाम लिखा होगा और नीचे ब्रैकेट में उनके प्रतिनिधियों का नाम लिखा होगा जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर बनेंगे अगर वो जीतते हैं तो। मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को 52% वोट मिले और जो बाइडन को 46% वोट मिले और उम्मीदवार ए को 0.8% वोट मिले और बी को 0.6 और सी को 0.6% वोट मिले। जैसा कि हम अमेरिका के टेक्सास राज्य की बात कर रहे थे, टेक्सास राज्य में 38 सीटों में से 20 सीटें डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए और 16 या 17 सीटें जो बाइडन को मिल जाए और बाकी की उम्मीदवार ए बी सी में बढ़ जाए। पर सिस्टम ये कहता है विनर टेक ऑल, विनर टेक ऑल। यह सिस्टम ये कहता है कि जिस व्यक्ति को 50% के ऊपर वोट मिल जाए तो उस व्यक्ति को सारी की सारी सीट्स मिल जाएगी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रतिनिधि इलेक्टोरल कॉलेज में जाएंगे तो ये 38 नंबर होके जाएंगे, अर्थात 20 सीट लेके नहीं जाएंगे। इसका मतलब 38 के 38 वोट हो गए डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को। किसी किसी राज्य ने 50% का नियम नहीं रखा हुआ है और किसी किसी राज्य जैसे लुसियाना ने क्या किया हुआ है कि यदि पहली बार में 50% नहीं आएंगे तो जो 2 टॉप कैंडिडेट्स हैं उनका इलेक्शन फिर से होगा और फिर उनमें से जो 50% से ऊपर ले जाएगा सारे के सारे वोट उस पार्टी को चले जाएंगे। अब विनर टेक ऑल से क्या खतरा हो सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जिस उम्मीदवार को जनता ने पसंद किया है और जो व्यक्ति सच में राष्ट्रपति बना है, दोनों व्यक्ति अगर अलग अलग हो, ऐसा 5 बार हो चुका है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जैसे 2016 में हिलेरी क्लिंटन व डोनाल्ड ट्रंप के बीच चुनाव में ऐसा हुआ था। सन 2000 के अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी जॉर्ज बुश व अल्बर्ट आर्नोल्ड गोरे जूनियर के बीच में भी ऐसा हुआ था। विनर टेक ऑल के सिस्टम 2 जगह पर नहीं है अमेरिका में, पहला राज्य है माइने और दूसरा है नेब्रास्का। माइने में 4 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर की सीट है और नेब्रास्का में भी 4 इलेक्टोरल कॉलेज की मेंबर की सीट है। इन 2 राज्यों में ये सिस्टम बड़ा वैज्ञानिक लगता है क्योंकि इनमें विनर टेक ऑल सिस्टम नहीं है। अब इलेक्टोरल कॉलेज अपने लेवल पे तय करेगा कि आगे आगे क्या होगा। तो साल 2020 के 3 नवंबर के बाद जो स्टेप होता है उसमें इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर जाते हैं वोट देने के लिए राष्ट्रपति को, और ये दिसंबर महीने में होता है। ये होता है मंडे आफ्टर सेकंड वेडनेसडे। अब सेकंड वेडनेसडे 8 से 14 के बीच ही आएगा, यानी कि 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में। तो 13 से 19 तारीख के बीच में दिसंबर महीने में इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर राष्ट्रपति को वोट डालने के लिए वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो इस साल 2020 को वह दिन 14 दिसंबर को पड़ रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, ये सब इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देने के लिए अपने अपने राज्य की राजधानी में पहुंचेंगे और वहां इलेक्शन होगा और बैलेट पेपर पे अपना वोट दे देते हैं। अब सामान्यतया दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परंतु एक शब्द सुनने को मिलता है, फैटलेस इलेक्टर। ये निर्वाचक मंडल के मेंबर शपथबद्ध होते हैं अपने उम्मीदवार के प्रति। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के नाम कोई खड़ा हुआ है तो उसने प्लेज ली हुई होती है कि अगर मैं जीतूंगा तो वोट डोनाल्ड ट्रंप को ही दूंगा। पर एक रोचक बात है कि अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति शपथ तोड़ देता है तो क्या करेंगे, केंद्र की तरफ से कोई कानून नहीं है। तो अमेरिका के 29 राज्यों में कानून बना रखे हैं कि अगर कोई शपथबद्ध व्यक्ति शपथ तोड़ दे तो क्या क्या कार्रवाई होगी, जैसे कि कुछ फाइन लगा देते हैं। हालांकि
सजा आज दिन तक नहीं हुई है एक भी व्यक्ति को, यह अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर वहां पर किसी और को वोट डाल दिया तो उसको रोकने का उपाय अभी तक अमेरिका के पास नहीं है, जबकि इसके लिए संविधान संशोधन हो सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के ही जजमेंट में ये कहा था कि जिन राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं वो वैध हैं। अगर वो राज्य ऐसे धोखेबाज निर्वाचक को सजा देना चाहे तो राज्य दे सकता है। 21 राज्यों में ऐसे कानून नहीं है अमेरिका में। आज तक प्रैक्टिकली हुआ नहीं कि फेथलेस इलेक्टर की गलत वोटिंग की वजह से वो व्यक्ति हार जाए जिस व्यक्ति को जीतना सामान्यतया तय होता है। आमतौर पर वह व्यक्ति जीत ही जाता है। सो दिस इज द ऑल अबाउट व्हाट इज द प्रोसेस आफ्टर 3 नवंबर आफ्टर इलेक्शन डे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑफ माई चैनल।